हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस डेस्टिनेशन। तो गाइस, पिछले 3 वीडियो में हमने मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पॉर्टेंस पढ़ी। तो हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम अब पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको साइंस का मीनिंग बताना चाहूँगी कि साइंस होती क्या है। साइंस रेफर्स टू सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ। मतलब साइंस एक ऐसी बॉडी है जिसके अपने खुद की नॉलेज है, खुद के ट्रुथ है, खुद के प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने साइंस में ग्रेविटेशन पढ़ा था। ग्रेविटेशन है तो ही तो एप्पल पेड़ से गिरेगा ना। ये क्या है? साइंस है। इसे प्रूव किया जा सकता है। ये चीज़ ऑब्जर्वेशंस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। तो ये क्या है? ये साइंस है। अब साइंस के डीप में ना जाते हुए हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट की टेस्टिंग फॉर बीइंग एज अ साइंस। टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखो, साइंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट पे अप्लाई हो जाते हैं तो वी कैन से मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब देखो, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट की अपनी खुद की थ्योरी है, अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं। आप लोगों ने 10th तक साइंस पढ़ी थी, उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ी, तो उनमें क्या थे? उनमें थ्योरी थे, प्रिंसिपल्स भी थे। इन द सेम वे मैनेजमेंट की भी खुद की थ्योरी है, खुद के प्रिंसिपल्स हैं। पिछली वीडियो में हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंस और फीचर्स पढ़े। तो और गाइस, पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंस, फीचर्स है क्या? ये थ्योरी ही तो है, और मैनेजमेंट की खुद की प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो साइंस के ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट पे इजीली अप्लाई होता है, बिकॉज मैनेजमेंट हैज़ इट्स ऑन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स लाइक साइंस। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, साइंस जो वो पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट्स पे, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती हैं। तो देखो, जो साइंटिस्ट होते हैं वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो वो उस पर पहले रिसर्च करते हैं बहुत सालों तक, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तब वो जाके उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। इन द सेम वे मैनेजमेंट के भी अपने खुद के प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिसर्च पे बहुत ज़्यादा, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किए, बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, तब जाके उन्होंने उस चीज़ को अप्लाई किया। देखो, आपको ना ये पॉइंट इस अभी इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन पे कैसे बेस्ड हैं। ठीक है, सो देखो, अब क्या होता है, जैसे हम जो मेडिसिन फॉर्म होती है वो क्या होती है? एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है। इन द सेम वे मैनेजमेंट भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती है। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी साइंस का मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है। हमारे जो साइंस के कैरेक्टरिस्टिक का लास्ट पॉइंट है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखो, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं, तो हम उन्हें कभी भी, किसी भी टाइम, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है, उनका साइंस के प्रिंसिपल का यूनिवर्सल एप्लीकेशन पॉसिबल है, वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, वो कहीं भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अब बात करें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं और वो कभी भी, किसी भी टाइम अप्लाई किए जा सकते हैं। पर क्या है, ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता मैनेजमेंट पे, क्योंकि क्या है, मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर की वजह से चेंज होते रहते हैं। क्योंकि देखो, हर बंदे का ना अपना अपना तरीका होता है काम करने का, तो वो हर पर्सन पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये ना पॉइंट आपको जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स में, सेम एक्चुअली क्या है ना कि ये सारी चीज़ें आपके प्रिंसिपल्स में आती हैं। तो आप जब वो प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन है क्या, मैनेजमेंट साइंस है भी या नहीं।
देखो मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं, पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर की वजह से चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट, अप्लाइड और सॉफ्ट साइंस कहते हैं। देखो जो साइंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनमें सिर्फ मैनेजमेंट ने सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई किए थे, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस ना कह के इनएग्जैक्ट, अप्लाइड और सॉफ्ट साइंस कहते हैं। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले आर्ट का मीनिंग जानना ज़रूरी है। आर्ट होती क्या है? आर्ट मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब आपके पास कोई नॉलेज है पहले से ही, आप उसको किसी चीज़ पे अप्लाई कर रहे हो, उससे हम बोलते हैं आर्ट। मतलब मेरे को बिज़नेस स्टडीज़ आती है, मुझे बिज़नेस बहुत अच्छे से आती है, तो मैं आपको पढ़ा के, वीडियो बना के आपको सिखा रही हूँ, तो क्या है, मैं अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को कहीं पे अप्लाई कर रही हूँ, तो उसे हम बोलते हैं आर्ट। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, वो हो सकता है सिंगर का। अब देखो सिंगर मान लो अरिजीत सिंह, उसके पास सिंगिंग की नॉलेज है, उसको पता है गाते कैसे हैं, मतलब उसने सिंगिंग सीखी हुई है, सुर ताल क्या होता है उसने ये सब कुछ सीखा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को गा के बता रहा है, तो उसे हम बोलते हैं आर्ट। अब देखो अब हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट की टेस्टिंग फॉर बीइंग एज एन आर्ट। देखो अगर आर्ट के ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट पे इजीली अप्लाई हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी आर्ट जो, हमारी मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है। तो अब हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आर्ट का है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरीज हैं, आर्ट की भी थ्योरीज हैं, मतलब आर्ट में मेरे को बिजनेस स्टडीज़ की नॉलेज है, ठीक है, मैं, मेरे को पता है कि भाई मैं जो बता रही हूँ ऑलरेडी मेरे पास दिमाग में वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। सेम इसी वे में मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरीज होती हैं, जैसे हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव, स्पीच, फीचर्स, और गाइस पिछली वीडियो का लिंक मैंने आपको बताया था पहले भी, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो मैनेजमेंट पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आर्ट, जैसे आर्ट के पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, सेम इसी वे में हमारी मैनेजमेंट के पास भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। अब जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। देखो इसमें ना सिंगिंग का एग्जांपल मैं आपको वही लेके बताती हूँ, मान लो जैसे आतिफ असलम है, अरिजीत सिंह है, दोनों के पास म्यूज़िक की नॉलेज है, लेकिन दोनों का अपना अपना गाने का तरीका अलग है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन में क्या होता है कि हर बंदे के पास अपनी नॉलेज है, लेकिन उनका अपना अप्लाई करने का तरीका अलग है। अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, दोनों के पास सिंगिंग की नॉलेज है, लेकिन दोनों का अपना गाने का तरीका, दोनों का अपना पर्सनलाइज एप्लीकेशन अलग अलग है। तो आर्ट का ये वाला कैरेक्टरिस्टिक भी मैनेजमेंट पे इजीली अप्लाई हो जाता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो आर्ट में क्या होता है, आर्ट में क्या है कि अगर आप टाइम के साथ वो चीज़ कॉन्टिन्यूसली करते जा रहे हो, तो टाइम के साथ आपकी वो चीज़ क्या होती है, इम्प्रूव होती है, और उसमें बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि टीचिंग है, कोई टीचर स्टार्टिंग में पढ़ा रहा है तो वो थोड़ा हेजिटेट करे कि नहीं, वो पढ़ाता जाएगा तो उस क्या है, उसकी टीचिंग बहुत अच्छी होती जाएगी। अब कोई सिंगर है, वो गा रहा है तो गाते गाते उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो क्या है, सेम इसी वे में मैनेजमेंट भी टाइम टू टाइम, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे हम मैनेजमेंट को अप्लाई करते रहते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होती जाती है। तो गाइस ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट के मैनेजमेंट पे इजीली अप्लाई हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि हमारी मैनेजमेंट आर्ट है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन मीन्स अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। मतलब प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी जो हम कुछ पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो बंदा इस एक्टिविटी को करता है जिसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, स्किल होती है, मतलब लॉयर, डॉक्टर, ये सारे क्या होते हैं, प्रोफेशन होते हैं। लॉयर क्यों करता है लॉ, ताकि वो पैसा कमा सके। डॉक्टर क्यों करता है डॉक्टरी, ताकि वो डॉक्टर बन के पैसा कमा सके। तो ये सारे क्या है, एक स्पेशल टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ऐसा बंदा करता है जिनके पास कुछ नॉलेज होती है, स्किल होती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोफेशन। अब हम पढ़ते हैं टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन।
अगर ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के प्रोफेशन पे इजीली अप्लाई हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट और प्रोफेशन एक ही है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन का है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि प्रोफेशन एक ऐसी बॉडी है जिसमें खुद की नॉलेज होती है, बहुत स्पेशलाइज नॉलेज होती है। जैसे लॉयर है, लॉयर लॉ करता है, तो लॉ के एक स्पेशलाइज नॉलेज है। सेम इसी वे में मैनेजमेंट की भी अपनी स्पेशलाइज नॉलेज होती है, मतलब मैनेजमेंट के भी अपने खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रोफेशन का ये फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट पे इजीली अप्लाई होता है। अब जो प्रोफेशन का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब हर कोई लॉ नहीं कर सकता, हर कोई लॉयर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। तो क्या है, प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट कहीं भी अप्लाई हो सकती है और कोई भी बंदा मैनेजमेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं होता। अब हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में क्या है कि प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कि सीए की होती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट फॉर सीएस, ठीक है, और लॉयर्स के लिए होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और डॉक्टर्स के लिए होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सेम इसी वे में मैनेजर्स के लिए भी होती है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। पर जैसे प्रोफेशन में खुद को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है, सीए वालों को सीए की एसोसिएशन में, डॉक्टर वालों को डॉक्टर की एसोसिएशन में, मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं एक्सेप्ट किया जाता मैनेजमेंट पे। अब जो हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखो ये पॉइंट क्या कहते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो प्रोफेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप उस रूल और रेगुलेशन के अगेंस्ट जाओगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अगर डॉक्टर कुछ घपला करता है या लॉयर कुछ घपला करता है तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, मैनेजमेंट को हम कैसे भी अपनी मर्जी से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर की वजह से चेंज होते रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी, ये वाला फीचर भी एक्सेप्ट नहीं होता मैनेजमेंट पे। अब जो हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, देखो जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या है, वो प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन ही तो है ना, वो क्या करते हैं फ्री कैंप्स लगाते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं फ्री में। तो वो क्या करें, सर्विस मोटिव करें, सर्विस लोगों को फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोगों के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। सेम इसी वे में जो हमने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि भाई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो हाई क्वालिटी के गुड सस्ते रेट पे प्रोवाइड कर रही है, वो एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट दे रही है। तो क्या हो रहा है कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है, वो हमारी सोसाइटी को सर्व कर रही है। तो मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट पे प्रोफेशन का ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं और हमारे मैनेजमेंट जो होती है, दोनों क्या करती है, सर्विस के लिए सर्विस करती है हमारी सोसाइटी के लिए। अब आते हैं कॉन्क्लूजन पे। तो कॉन्क्लूजन में देखो, आधे से ज़्यादा, मतलब दो पॉइंट्स ही अप्लाई हो रहे हैं मैनेजमेंट पे, बाकी नहीं हो रहे। हम ये नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट बिल्कुल प्रोफेशन नहीं है, हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट ग्रो कर रही है, ट्राई कर रही है फॉर बीइंग प्रोफेशन। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो बाय।